खम्मा घणी साहब, सभी का स्वागत है मेरे चैनल सपना मनोहर में। और आज का व्लॉग बस ऐसे ही, आज गुरुवार है और मेरा फास्ट आज गुरुवार का फास्ट करती हूँ मैं। सो उसके लिए बस मैं भी नहा धो के रेडी हुई हूँ। येलो सूट पहना है, मम्मी का लिया है, जैसे क्या बोलते मम्मी क्या गई हूँ, तो मम्मी का मैंने येलो सूट पहना है। एंड मैंने कुछ भी तैयार नहीं हुई हूँ, बस मैंने बाल तक भी नहीं बनाई, एक छोटी बिंदी लगाई है और पूजा करूँगी बस मैं। अभी पहले अपनी व्रत कथा जो है वो करूँगी, फिर मंदिर जाके आऊँगी। और उसके बाद में आज मुझे जाना है कहीं पर, जैसे कि मैंने अपनी जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने बताया था कि 8 तारीख को एक इवेंट होने वाला है किरणी फाटक रोड पे उमराव गार्डन के अंदर, लहरिया उत्सव करके, और मैं वहाँ जा रही हूँ। सो अगर आप आना चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी पासेस ले लें। और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब मैंने स्टोरी में मेंशन किए थे उनके, और जो भी थे। सो वहाँ फ़ोटोज़ पोस्टर बने थे एक्चुअली हम लोगों की फ़ोटोज़ के। सो उनके साथ कुछ फ़ोटोशूट करवाना है उन लोगों को, तो उन्होंने वहाँ बुलाया, उन्होंने कल बुलाया था शाम को, बट कल बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था और मुझे वीडियो शूट कर रही थी मैं, तो बहुत थक भी चुकी थी। सो कल मैं नहीं गई थी, बट फाइनली उन्होंने आज वापस फ़ोन करके बोला है कि आप प्लीज़ आइए। तो मैं अभी जाऊँगी 1 बजे पूजा करके, उसके बाद मैं तैयार व्यार होकर फिर जाऊँगी। आपको दिखाती हूँ हम लोग वहाँ क्या करते हैं। प्राचीन समय में आर्यवर्त में दिग्विजय नामक एक राजा थे। वे अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव और अभी मंदिर जाके मैं आ चुकी हूँ, पूजा हो चुकी है, फ्री हो गई हूँ। और अभी वैसे तो मैं खाना आके ही खाऊँगी, और लेकिन अभी मुझे थोड़ी भूख लगी है, तो मम्मी सागर बना रहे हैं। मम्मी ने कहा था जूस या कुछ फ्रूट्स वगैरह, बट क्या ना जूस तो वो मौसमी वगैरह का है, खाली पेट अभी ना एसिडिटी वगैरह बन जाती है, खट्टा होता है ना। और अनार वगैरह थे जो मुझे खाने नहीं थे। मुझे भूखे पेट मीठा नहीं भाता, बिल्कुल भी नहीं भाता, वॉमिटिंग सा होने लग जाता है। सो मम्मी बना रही है अभी सामकिया और आलू का थोड़ा सा मैं सागर करूँगी। देन मैं वहाँ इवेंट के लिए मैं आपको बता रही थी ना, फ़ोटोशूट के लिए वहाँ जाऊँगी, उसके बाद मैं आके खाना वाना खाऊँगी। और पूजा मैंने आपको दिखाई, प्लीज़ अभी कमेंट मत करना ऐसे नहीं ऐसे होता, क्योंकि सबके अपने अपने हिसाब से करते हैं, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। सो बस मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। सूट देख रही हूँ यार मैं, एक तो मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ ना, तो मैं अपने सूट प्योर वगैरह के लेके नहीं आई, सिर्फ 1-2 लेके आई थी और बाकी तो मैं यहाँ लेके ही नहीं आई। सो मैंने मम्मी का सूट लिया, मुझे बिल्कुल सिंपल सा चाहिए था, मतलब थोड़ा हैवी में नहीं चाहिए था। सो मैंने मम्मी का एक ग्रीन एंड रेड कलर की चुनरी की है वो सूट निकलवाया है, मैं उसके लिए रेडी होंगी। और मेरी एक फ्रेंड आ रही है, मैं उसके साथ जाऊँगी यहाँ से। सो मुझे वहाँ जाके आना है। चेंज मैंने कर लिया है, सूट पहन लिया है, इयररिंग्स पहन लिए, गले में रहा है। पहले मैं सागर करूँगी, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, उसके बाद में बाकी रेडी होंगे। सो अभी हम लोग गार्डन में आ चुके हैं और कौन है सुरभि, कौन है? अच्छा वो अंदर है क्या? अच्छा ठीक है। ये इतने प्यारी प्यारी से आप देख सकते हो, भाई साहब कितनी खूबसूरत लग रही है सारी। एंड मुझे बोला है कि सिंपल बन के आना है, खुद अच्छे से तैयार होके आई है, बट ओवरऑल सब बहुत प्यारी लग रही है। और अभी हम लोग देखते हैं क्या करने वाले हैं, उसके बाद में ब्लॉग में आपको वो शेयर करेंगे। सो कुछ बोलना है आप लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर को? हाय हेलो खम्मा घनी, कुछ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। गार्डन में आ चुके हैं, फ़ोटो वगैरह क्लिक हो चुकी हैं एंड सच में मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबका नेचर बहुत अच्छा है और पोस्टर आप देख चुके हो जो फाइनली पोस्टर इन लोगों ने बनवाया है। यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे आ रही है मनीषा सिंह एंड स्पेशल गेस्ट है दुर्गेश राजावत एंड शोभा कंवर भाईसा जो है वो आ रही हैं। सो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी पासेस ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर मैं अभी स्क्रीन पे भी डाल रही हूँ, ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से जाके भी नंबर ले सकते हैं और आप पासेस ले सकते हैं। सो प्लीज़ जल्दी से आइए और हम लोग मिलते हैं, मस्ती करते हैं। 8 तारीख को देखते हैं क्या होता है। सो मैं आप लोगों को मिलवा देती हूँ। ये है इवेंट ऑर्गेनाइज़र सुरभि भाईसा एंड रेनू भाईसा। तो आप लोग बता दीजिए ना कहाँ पर क्या इवेंट होने वाला है, कैसा क्या है? ये जो हमारा इवेंट है ना, किरनी फाटक रोड है और उमराव गार्डन पे हो रहा है। टाइमिंग है 11 AM और 8 अगस्त को हो रहा है। और यहाँ पर आप लोग टाइटल्स वगैरह भी रखे हैं, जैसे फूटरा पैसा, लिटिल फूटरा पैसा है, नखराला पैसा है, तीखी मिर्ची पैसा है, लंबा केस पैसा है, बेस्ट डांसर, ऑलराउंडर बाइसा, इस तरीके से यहाँ पर टाइटल रखे हुए हैं। बहुत सारे गेम्स होंगे, सो आप लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी आइए। तो जो नंबर दिए हुए हैं वो सुरभि बाइसा के हैं, तो आप प्लीज़ उनसे कांटेक्ट कर लेना, अपने पासेस ले लेना और आप लोग जल्दी से जल्दी आओ। हम लोग मिलेंगे और बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। और ये हम लोग रील्स बना रहे हैं, लाइक पहले वाला लुक और फिर आफ्टर लुक वाली रील्स बना रहे हैं सब मिलके। अच्छा लगा आपसे, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो बाय, 8 तारीख को मिलते हैं, कल मिलेंगे, ओके। और अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ, बहुत टाइम लग गया, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई थी, फास्ट था ना जिस वजह से। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर लोगों से मिलके, सबका नेचर बहुत अच्छा लगा एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट एंड ऑल्सो नर्वस, और उनका भी फर्स्ट इवेंट है, सो अब बस मेरा फास्ट है, सो मैं भी खाना खा रही हूँ और खाना खाने के बाद मुझे जाना है एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज क्लास। अगर उसका वीडियो आप चाहते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ वर्कआउट में, तो आप मुझे बताना, उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी। खाना तो खा लिया है और हमें मेरी इच्छा नहीं कर रही है जाने की, एक्सरसाइज करनी है। वीडियो बना रही हूँ बट जाना पड़ेगा, 5:15 की क्लास है और 5 बज गए हैं। अब शूज़ पहनेंगे और जाएंगे। मैम ने बोला था अगर खाना खा के आना हो तो 3 बजे खाना खा लिया करो, और मैंने अब भी जस्ट खाया और अभी जाऊँगी, लेकिन मैं आज बताऊँगी नहीं मैम को मैं खाना खा के आई। एंड मैं अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। ये आगे कुछ पिक्स है जो आज हमने ली थी। होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।